बीआर रैंक में सोलो रैंक पुशिंग करके ग्रैंड मास्टर जाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है करेक्टर कॉम्बिनेशन। मैं भी गाइस कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कौन सा करेक्टर कॉम्बिनेशन लेके गेम प्ले करूँ, तो इसलिए मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि आप लोगों का बेस्ट करेक्टर कॉम्बिनेशन मेरे को बताओ। तो आप लोगों ने बहुत सारे करेक्टर कॉम्बिनेशन बताए, तो उनमें से 5 बेस्ट करेक्टर कॉम्बिनेशन मैंने सिलेक्ट किए। तो मैं एक एक करके हर एक कॉम्बिनेशन के साथ गेम प्ले करूंगा सोलो में, आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा करेक्टर कॉम्बिनेशन सोलो के लिए सबसे बेस्ट है। अभी के टाइम आप लोग देख सकते हो मेरा स्कोर है 8523 और मैं ना ग्रैंड मास्टर में हूँ और मैं सिर्फ सोलो में रैंक पुश करके ग्रैंड मास्टर गया हूँ, आप लोग खुद ही देख सकते हो। ओके, तो अभी बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट कॉम्बिनेशन की, जो कि भेजे है पीजी गेमर भाई ने। भाई का कॉम्बिनेशन है K+Misha+Fraud+Locata और इनका कहना है ये कॉम्बिनेशन सर्वाइवल के लिए बेस्ट है। ओके, तो गाइस पीजी गेमर भाई का मैं कॉम्बिनेशन लगाता हूँ और गाइस फर्स्ट मैच स्टार्ट कर देता हूँ। तो जैसे कि ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा सर्वाइवल कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए गाइस मैं एकदम साइड में जा रहा हूँ इंटेलिक्स सेंटर पर। इधर जाके मैं सबसे पहले अच्छे से लूट कर लूंगा, उसके बाद थोड़ा सा कैंपिंग करके अच्छे से सर्वाइव कर लूंगा। ये सोच के भाई इधर मैं लैंडिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मेरे को गन मिल जाता है और उसी टाइम एक बंदा मेरे सामने आ जाता है जिसको मैं AK-47 से खतरनाक डैमेज देता हूँ और बंदे को फिनिश कर देता हूँ। तो इस बंदे को मारने के बाद मैं अच्छे से चारों तरफ देख लेता हूँ कि कोई बंदा है कि नहीं, क्योंकि अभी के टाइम बीआर रैंक में हर एक जगह पर बंदे लोग होते हैं और कोई भी सर्वाइविंग कॉम्बिनेशन लेके जब भी आप लोग गेम प्ले करोगे तो आप लोग ट्राई करना हमेशा साइड में उतरने के लिए, क्योंकि उधर आप लोगों को ज्यादा बंदे नहीं दिखेंगे और गाइस उधर आप लोगों को अच्छा खासा लूट भी मिल जाएगा एंड सर्वाइव भी कर लोगे। उसके बाद इधर अच्छे से चारों तरफ देखने के बाद मैंने इधर अच्छे से लूटना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद थोड़ा बहुत इधर लूटने के बाद मेरे को स्कैनर पर दिखाई देता है एक बंदा जिसको मैं देख के खतरनाक डैमेज देता हूँ, उसका गाड़ी फोड़ देता हूँ, जिसको देखकर बंदा घर के अंदर भाग जाता है और मैं उसका फायदा उठाकर उसके ऊपर रश कर देता हूँ। उसी टाइम बंदा मेरे को खिड़की से देखता है जिसका फायदा उठाकर मैं उसको फिर से डैमेज देता हूँ और बंदे को इजिली फिनिश कर देता हूँ। तो ऐसे करके इधर स्टार्टिंग में मैं 2 किल कर लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा इधर ही कैंपिंग करता हूँ और कैसे सर्वाइव करने लगता हूँ। उसके बाद बहुत सारा टाइम इधर सर्वाइव करने के बाद मैं डायरेक्टली जोन के अंदर चला जाता हूँ और जोन के अंदर जाके मैं घर का परमानेंट कवर ले लेता हूँ और घर के अंदर जाने के बाद देखता हूँ सामने 2 बंदे के बीच फाइट हो रहा है और जिसका फायदा उठाकर मैं थर्ड पार्टी करने के लिए उधर घुस जाता हूँ और जाके एक बंदे को खतरनाक डैमेज देता हूँ और इजिली बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और उसी टाइम मेरे सामने सुपर एयरड्रॉप गिरता है जिसको मैं लूटने चला जाता हूँ, उधर जाके सुपर एयरड्रॉप लूटने लगता हूँ और उसी टाइम एक बंदा जोन के बाहर से आता है जिसको मैं खतरनाक स्पॉट करता हूँ और डैमेज देके इजिली मार देता हूँ। तो उसके बाद सुपर एयरड्रॉप लूट के मैं आराम से जोन के अंदर चला जाता हूँ और जोन के अंदर जाने के टाइम देखता हूँ एक बंदा ऊपर से फायर कर रहा है जिसको मैं खतरनाक तरीके से स्पॉट करता हूँ और इजिली डैमेज देके मार देता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा सामने जाने के बाद मैं एकदम कवर लेके बैठ जाता हूँ और कवर लेके इधर बैठने के बाद देखता हूँ बंदे लोगों के बीच फाइट हो रहा है जिसका फायदा उठाकर मैं थर्ड पार्टी करता हूँ और एक बंदे को खतरनाक डैमेज देके फिर से मार देता हूँ। तो इस बंदे को मारने के बाद और भी 6 बंदे अलाइव होते हैं जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक थे और मेरे पास होता है सर्वाइविंग कॉम्बिनेशन जिसकी वजह से मुझे शॉर्ट रेंज में फाइट करने में दिक्कत आने वाली है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं सर्वाइव करके ही खेलूंगा। इसलिए गाइस मैं साइड से जोन रोटेशन मार के पिंग मिनरल मशीन से मशीन गन एक्स खरीद के एक गाड़ी लेके जोन में ही जा रहा था, लेकिन उसी टाइम सामने एक मेरे को बंदा दिख जाता है जिसके साथ फाइट करने के लिए मैं गाड़ी से उतर जाता हूँ। उतर के खतरनाक डैमेज देता हूँ, बंदा ग्लोअल मारता है, मैं फटाक से इधर से जाके फिर से डैमेज देने की कोशिश करता हूँ लेकिन बंदा मेरे को खतरनाक डैमेज उल्टा दे देता है, तो मैं फटाक से ग्लोअल मार देता हूँ। उसके बाद बंदा ग्रेनेड मारने की कोशिश करता है तो मैं इधर से निकल जाता हूँ, निकल के खतरनाक उसको फिर से डैमेज देता हूँ, बंदा कवर में चला जाता है तो मैं इधर से जाके बंदे को फिर से डैमेज देना स्टार्ट करता हूँ और बंदा फिर से ग्लोअल मार देता हूँ, तो मैं इधर से जाके फिर से डैमेज देता हूँ, फिर से ग्लोअल मारता है, तो मैं साइड से निकल के बंदे को और एक डैमेज देता हूँ और बंदे को नॉक कर देता हूँ। तो ऐसे करके इस बंदे को इजीली मैं फिनिश कर देता हूँ। ट्रस्ट मी, इस कॉम्बिनेशन के साथ शॉर्ट रेंज में फाइट करना बहुत ज्यादा हार्ड है। उसके बाद इस बंदे को मारने के बाद मेरा हो जाता है 7 किल कंप्लीट, तो मैं जाके उस बंदे का लूट बॉक्स लूट लेता हूँ और उसी टाइम देखता हूँ भाई 3 बंदे लाइव है मेरे को, इसलिए मैं इधर थोड़ा सा वेट करता हूँ। वेट करने के बाद थोड़ा सा सामने जाके देखता हूँ एक बंदा खुले में भाग रहा है जिसको मैं मशीन गन एक्स का खतरनाक डैमेज देता हूँ और इजिली मार देता हूँ। तो इस बंदे को मारने के बाद बस एक ही बंदा बचा रहता है, तो मैं उस बंदे को ढूंढने लगता हूँ। तो बहुत टाइम तक ढूंढने के बाद भी बंदा मेरे को नहीं मिलता, तो मैं इधर आके एकदम खुले में नो वर्क करने लगता हूँ और उसी टाइम बंदा मेरे को दिखाई देता है जिसको मैं खतरनाक डैमेज देता हूँ। बंदा कवर में चला जाता है और उसी टाइम जोन भी आ जाता है और बंदा इजिली एलिमिनेट हो जाता है, जिसकी वजह से मेरा हो जाता है इजिली पुया और इस मैच में मेरे को मिल जाता है 31 का प्लस। ओवरऑल देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा ओपी है सर्वाइव करने के लिए, लेकिन गाइस बाकी के कॉम्बिनेशन ना देख के तो मैं नहीं कर सकता ये सबसे बेस्ट है सोलो में रैंक पुश करने के लिए। तो आओ देख लेते हैं सेकंड करेक्टर कॉम्बिनेशन जो कि है गाइस कियाज भाई का। और भाई ने बोला कि पिछले 2 हफ्तों से वो एक कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे थे सोलो रैंक पुश के लिए। तो भाई के कॉम्बिनेशन में है K+Luna+JBibs+Locata और ये बोल रहे हैं कि 100% ग्रैंड मास्टर करेक्टर कॉम्बिनेशन है। तो जल्दी से मैं ये करेक्टर कॉम्बिनेशन लगा लेता हूँ और गाइस मैच खेलना स्टार्ट कर देता हूँ। इस मैच में मैंने लैंडिंग किया है 7 यूनिवर्सिटी पोर्टल के ऊपर एंड पोर्टल के अंदर जाके जल्दी से जल्दी कॉइन कलेक्ट करके गन वन खरीद के फिर से मैं गेम में वापस आ जाता हूँ। उसके बाद लैंडिंग करके मैं नीचे चला जाता हूँ लूटते लूटते और गाइस उसी टाइम एक बंदा मेरे सामने आ जाता है गाड़ी लेके, मैं उसका गाड़ी फोड़ देता हूँ और वो बंदा डर के मारे घर का कवर ले लेता है, तो मैं नीचे से जाके पीछे से उसको स्पॉट कर लेता हूँ और स्पॉट करके खतरनाक डैमेज देता हूँ और बंदे को फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद उस बंदे के सामने जाके उसका लूट बॉक्स लूट लेता हूँ और उसके लूट बॉक्स से मेरे को मिल जाता है मॉन्स्टर ट्रक का एयर ड्रॉप और उसी टाइम गाइस एक बंदा मॉन्स्टर ट्रक लेके इधर आ जाता है, तो मेरे को मॉन्स्टर ट्रक मंगाना पड़ता है, तो मैं मॉन्स्टर ट्रक मंगा के मॉन्स्टर ट्रक लेके मॉन्स्टर ट्रक से इधर से चला जाता हूँ। उसके बाद इस मॉन्स्टर को लेके मैं एकदम
सीधा चला जाता हूँ जोन के अंदर, लेकिन जोन के एकदम मिडिल में नहीं जाता, एकदम साइड में रहता हूँ और इस एल शेप के ऊपर उठ के कैंपिंग करने लगता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा टाइम कैंपिंग करने के बाद मैं देखता हूँ जोन के बाहर में दो बंदे बीच फाइट हो रहा है, जिसका फायदा उठा के खतरनाक डैमेज देके थर्ड पार्टी करके मैं एक बंदे को मार देता हूँ एंड दूसरे बंदे को भी बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ मारने के लिए, लेकिन वो बंदा गाड़ी लेके इधर से निकल जाता है एंड उसी टाइम जोन भी आना स्टार्ट हो जाता है, तो मैं भी इधर से गाड़ी लेके निकल जाता हूँ एंड उसी टाइम मेरा नजर पड़ता है मैप के ऊपर और मैं देखता हूँ लाल जोन जहाँ पर गिरा है वो एकदम खुला जगह है। और उसी सिचुएशन में गाइस हर एक बंदे के पास गाड़ी होता है और उसके बाद एक मॉन्स्टर करके मेरे को क्या ही खतरनाक टक्कर मारता है भाई, क्या ही बताओ, आप लोग खुद ही देख सकते हो। मैं हवा में उड़ते उड़ते जाके एकदम जोन के बाहर गिरता हूँ और उस टाइम भाई क्या ही खतरनाक सीन लगता है मेरे को, क्या ही बताओ। उसके बाद मैं मेडिकेट वेडिकेट मार के एकदम जोन के अंदर आ जाता हूँ और जोन के अंदर आके मैं खतरनाक तरीके से हर एक बंदे को टक्कर मारना स्टार्ट कर देता हूँ। ऐसे करके टक्कर मारते मारते मैं हर एक बंदे का गाड़ी फोड़ देता हूँ। उसके बाद हर एक बंदा गाड़ी से उतर जाता है और मैं इसका फायदा उठा के हर एक बंदे को डैमेज देना स्टार्ट कर देता हूँ। मतलब इधर जितने भी गाड़ी थे सारे के सारे फूट जाते हैं, लेकिन गाइस मेरा गाड़ी अभी तक नहीं फूटता और मैं इसका फायदा उठा के हर एक बंदे को जाके खतरनाक खतरनाक से डैमेज देता हूँ। दो बंदे को तो गाइस खतरनाक तरीके से मार भी देता हूँ और एक बंदा मेरी गाड़ी से उतर गया था उसको भी मैंने खतरनाक डैमेज देके जोन के बाहर फेंक दिया। उसके बाद साइड में और एक बंदा था उसको भी जाके मैंने खतरनाक टक्कर मारा और टक्कर मार के इसको भी मार दिया। इसको मारने के बाद मेरे को लगा मेरा भुया हो गया, लेकिन मैं देखता हूँ और एक बंदा इधर आ जाता है और वो बंदा वो था जिसको मैंने टक्कर मार के बाहर फेंका था, वो नॉक हो गया था, वो रिवाइव होकर फिर से आ गया और आके मेरी गाड़ी पर चढ़ गया। तो मैं गाड़ी से उतर के उसको खतरनाक डैमेज देने की कोशिश की, लेकिन बंदा नीचे उतर गया और नीचे उतर के मेरे को डैमेज देना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मेरा स्किल भी ब्लॉक कर दिया और उसके बाद ग्लोअल मार के मेरे को जोन के बाहर फंसा दिया, जिसके कारण मैं जोन का डैमेज करके इजिली मर गया और इस तरह मेरा भुया मिस हो गया। जो भी बोलो गाइस, ये कॉम्बिनेशन ना बहुत ज्यादा ओपी है, लेकिन अगर इसमें ना मिशा कैरेक्टर हो जाता तो और भी अच्छा हो जाता। ओके, तो अब देख लेते हैं हमारे थर्ड कॉम्बिनेशन जो कि है गाइस एआई दे का, और इन्होंने बोला है कि ये कॉम्बिनेशन गजब कॉम्बिनेशन है और इस कॉम्बिनेशन में है आयरिस प्लस मारो प्लस राफेल प्लस मिशा। तो जल्दी से जल्दी इस कॉम्बिनेशन को लगा लेते हैं और गेम स्टार्ट कर देते। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ मैं पीक पर उतर चुका हूँ क्योंकि गाइस स्टार्टिंग में मेरे को एक दो किल निकाल लेना है, उसके बाद ऑटो रिवाइव होकर दूर चले जाना। तो इधर मैं थोड़ा सा साइड में उतरता हूँ, उतर के थोड़ा बहुत गन लेके सामने चला जाता हूँ और सामने जाने के बाद ही देखता हूँ एक बंदा भाग रहा है, तो उसको मैं खतरनाक डैमेज देता हूँ और इजिली मार देता हूँ। उसके बाद मैं घर के अंदर जाके थोड़ा बहुत लूट करने लगता हूँ और उसी टाइम देखता हूँ और एक बंदा खुले में आ रहा है, जिसको मैं खतरनाक तरीके से फिर से डैमेज देता हूँ और इजिली मार देता हूँ। ऐसे करके मैं इधर दो किल उठा लेता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा सामने जाके हल्का फुल्का लूट करके मैं सामने ही जाने लगता हूँ और उसी टाइम देखता हूँ एक बंदा सामने आ जाता है, जिसको मैं हल्का सा डैमेज देता हूँ और उसके बाद उसके सामने से गाड़ी लेके लॉन्ग रेंज में चला जाता हूँ। उसके बाद लॉन्ग रेंज में जाके उस बंदे को स्पॉट करता हूँ और खतरनाक से डैमेज देता हूँ और बंदे को इजिली फिनिश कर देता हूँ। इस बंदे को मार के मैं स्टार्टिंग में ही तीन किल उठा लेता हूँ। उसके बाद गाड़ी लेके मैं सीधा चला जाता हूँ 7 यूनिवर्सिटी पोर्टल पर एंड उसके अंदर जाके मैं अच्छे से किल विल करके टोकन कलेक्ट करके अच्छे से गन और बेस्ट लेके फिर से गेम में आ जाता हूँ। गेम में आके फैक्ट्री के साइड लैंडिंग करता हूँ और उधर से मेरे को ब्लू कलर का गाड़ी मिल जाता है, जिसको लेके मैं सीधा निकल जाता हूँ और जाने के टाइम मेरे को मिल जाता है एक बंदा जिसको मैं खतरनाक उतर के डैमेज देता हूँ। वो बंदा इधर से भागने की कोशिश करता है, ग्लोअल मार के मैं उसके ऊपर आयरिस मार के डैमेज देता हूँ। उसके बाद गाड़ी लेके उसके सामने चले जाता हूँ और जाके खतरनाक डैमेज देता हूँ, बंदा भी मेरे को डैमेज देता है। मैं फिर से गाड़ी लेके इधर से मेडिकेट मारते मारते थोड़ा सा घूम के जाता हूँ और जाके खतरनाक तरीके से उसको डैमेज देता हूँ और इजिली मार देता हूँ। तो इस बंदे को मारने के बाद 4 किल हो जाता है। उसके बाद इसको हल्का सा लूट, पैदल ही साइड साइड से जोन रोटेशन करने लगता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा सामने जाने के बाद देखते हो एक बंदा खुले में भाग रहा है, जिसको मैं खतरनाक डैमेज देता हूँ और इजिली उसको मार देता हूँ। गाइस मारू कैरेक्टर होने से ना बहुत फायदा होता है लॉन्ग रेंज में फाइट करने में, जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हो। तो उसके बाद थोड़ा सा सामने जाके एक कवर में बैठ के मैं पहले मेडिकेट मारता हूँ, अपना हेल्थ पूरा करता हूँ, उसके बाद फिर से जोन रोटेशन मारना स्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद जोन रोटेशन करके मैं एकदम सीधा जोन के अंदर आ जाता हूँ, आके एक साइड में बैठ के एकदम परमानेंट कवर ले लेता हूँ पिलर का। उसके बाद मैं देखता हूँ कि 5 बंदे अलाइव है और मेरा भी 5 किल हो चुका है, तो मेरे को अभी कुछ भी करके इस मैच को बुया लेना है, तो इसलिए मैं साइड में ही सर्वाइव करता रहता हूँ। उसके बाद बहुत सारा टाइम सर्वाइव करने के बाद मैं देखता हूँ टॉप 3 आ चुका है, तो मैं थोड़ा सा सामने जाता हूँ और जाके इस पत्थर के ऊपर चढ़ जाता हूँ और इधर ही मेरे को एक बंदा मिल जाता है, जिसको मैं खतरनाक डैमेज देता हूँ। बंदा भी मेरे को डैमेज देता है, तो मैं फटाक से ग्लोअल मार देता हूँ। उसी टाइम का जोन भी आ जाता है, जिसके कारण मैं जोन में जाने का सोचता हूँ, तो मैं ग्लोअल मारते मारते जोन के अंदर आ जाता हूँ और उसके बाद एक ग्रेनेड उसके ऊपर फेंक देता हूँ और बंदा मेरे सामने आ जाता है, मैं उसको खतरनाक डैमेज देता हूँ। उसके बाद कवर में चला जाता और उसी टाइम जोन का डैमेज करके बंदा इजिली मार जाता है और मेरे को किल मिल जाता है। तो इस बंदे को मारने के बाद मेरा हो जाता है 6 किल कंप्लीट और मैं टॉप 2 में चला जाता हूँ। उसके बाद एक ही बंदा बचा होता है, जिसको मैं ढूंढने लगता हूँ, लेकिन बंदा नहीं मिल और उसके बाद थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद बंदा मेरे को नीचे मिलता है, जिसको मैं खतरनाक डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बंदा पेड़ का कवर ले लेता है, जिसके कारण मैं उसको स्पॉट नहीं कर पाता। तो मैं फटाक से ग्लोअल मार के उसके सामने चला जाता और सामने जाके उसको स्पॉट करने, लेकिन बंदा पेड़ से नहीं निकलता। तो भाई इधर ही मैं वेट करता हूँ। उसके बाद जब जोन छोटा होने लगता है, बंदा मिनी लॉन्च पैड पकड़ के इधर आने लगता है, जिसको मैं हल्का सा डैमेज देता हूँ और बंदा इधर सामने आ जाता है, मैं फटाक से ग्लोअल मार के उसके सामने जाता हूँ, खतरनाक स्प्रे करके इजिली मार देता हूँ। तो ऐसे करके इस मैच को मैं इजिली बुया ले लेता हूँ। भाई ये कॉम्बिनेशन मस्त कॉम्बिनेशन है, सर्वाइव भी कर सकते हो इसके साथ एंड गाइस इसके साथ रश भी कर सकते हो। लेकिन गाइस और भी 2 करेक्टर कॉम्बिनेशन है, जिसको देखने के बाद मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है सोलो रैंक पुश के लिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के देख लेते हैं 4 नंबर करेक्टर कॉम्बिनेशन जो कि भेजे है बैंस FF ने। और भाई के कॉम्बिनेशन
में एक्टिव स्लॉट में है सैंटिनो कैरेक्टर और पैसिव में है उल्फ्रा मारो लुकेटा। ओके, इस कॉम्बिनेशन को जल्दी से लगा के मैच स्टार्ट कर देते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ इस मैच में मैंने लैंडिंग कर लिया स्टार्टिंग में इंटेलिक सेंटर पर और इधर उतरने के बाद ही मेरे को मिल जाता है कार्नाटी और उसी टाइम मेरे सामने एक बंदा आ जाता है जिसको मैं खतरनाक डैमेज देता हूँ और गाइस इजीली बंदे को मार देता हूँ। उसके बाद इस बंदे को मारने के बाद इस बंदे से हल्का सा लूट के मैं सीधा चला जाता हूँ एक घर के ऊपर और घर के ऊपर जाने के बाद एक बंदा दूर से मेरे को डैमेज देता है जिसको मैं खतरनाक डैमेज देके इजीली मार देता हूँ। उसके बाद गाइस इधर ही थोड़ा सा वेट करता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा टाइम इधर ही मैं वेट करता हूँ, कैंपिंग कर लेता हूँ। उसके बाद जब जोन छोटा होने लगता है तब मैं इधर से जाके एकदम आराम से लूट वूट कर लेता हूँ और उसके बाद सीधा चला जाता हूँ आर्सेनल पर। तो आर्सेनल जाके मैं इजीली खोल देता हूँ क्योंकि मेरे पास की था और इधर से मेरे को लेवल 4 का बेस्ट मिल जाता है और जो जो मेरे को चाहिए था सब कुछ ले लेता हूँ। उसके बाद इधर से लूट वूट करके मैं सीधा निकल जाता हूँ सामने जाने के लिए और जाने के टाइम मैं ऊपर एक बंदा फायर कर रहा है जिसको मैं खतरनाक तरीके से स्पॉट करके डैमेज देता हूँ और इजिली उसको मार देता हूँ। ऐसे करके गाइस 3 किल करके मैं सीधा चला जाता हूँ जोन के अंदर एक परमानेंट कवर में और इधर जाके मैं इस घर के ऊपर चढ़ जाता हूँ और उस घर के ऊपर चढ़ के मैं देखता हूँ एक बंदा सामने था लेकिन वो बंदा डर के मारे इधर से भाग जाता है। तो मैं इस घर का पूरा कवर ले लेता हूँ और उसी टाइम बंदा नीचे से ऊपर आता है जिसके वजह से मैं बंदे को खतरनाक डैमेज देता हूँ। बंदा इधर से आके मेरे को फायर करता है, उसके बाद मैं इधर से ग्लोअल का पूरा पैक लगा लेता हूँ। उसके बाद बंदा इधर से जाके मेरे को मारने लगता है लेकिन गाइस इधर मैं खतरनाक उसको स्प्रे करता हूँ और इजिली इसको मार देता हूँ। तो इस बंदे को मारने के बाद मेरा 4 किल कंप्लीट हो जाता है जिसके बाद मैं इधर ही थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। एंड उसी टाइम देखता हूँ एक बंदा जोन के बाहर से आ रहा है जिसको मैं खतरनाक डैमेज देता हूँ। बंदा ग्लोअल मारता है लेकिन उसको ग्लोअल तोड़ के मैं उसको मार देता हूँ। तो ऐसे करके गाइस मैं 5 किल इधर कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा इधर ही वेट कर लेता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा टाइम कैंपिंग करने के बाद देखता हूँ दूर में दो बंदे के बीच फाइट हो रहा है बहुत ही खतरनाक तरीके से। तो मैं उसका फायदा उठा के थर्ड पार्टी करता हूँ, एक बंदे को खतरनाक डैमेज देता हूँ और इसलिए उस बंदे को मार देता हूँ। तो इस बंदे को मारने के बाद मेरा टोटल 6 किल हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा इधर कैंपिंग कर लेता हूँ। थोड़ा सा सर्वाइव करने के बाद जोन आ जाता है जिसके वजह से मैं नीचे उतर जाता हूँ। नीचे उतर के मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, आगे जाके थोड़ा सा वेट करता हूँ। देखता हूँ जिस जगह पर मैंने मारा है उस जगह पर एक बंदा लूट रहा है, मैं खतरनाक डैमेज देता हूँ। उसके बाद बंदा ग्लोअल मारता है, उसका मैं ग्लोअल बोलता हूँ और इजिली उस बंदे को डैमेज देकर मार देता हूँ। ऐसे करके टोटल मैं 7 किल कर लेता हूँ। उसके बाद जोन के एकदम साइड में जाके कवर लेके बैठ जाता हूँ, थोड़ा सा कैंपिंग करता हूँ और कैंपिंग करते करते टॉप 3 हो जाता है। उसके बाद जोन भी एकदम छोटा होने लगता है लेकिन कोई भी बंदा कवर छोड़ के नहीं आता। लेकिन उसी टाइम मेरे इधर कोई कवर नहीं रहता, मैं खुलने में आ जाता हूँ। तो उसके बाद मैं ग्लोअल वॉल मारता हूँ, बंदा मेरे को खतरनाक डैमेज देता है और लास्ट में ग्लोअल मारते मारते मेरा पूरा ग्लोअल खत्म हो जाता है जिसका फायदा उठा के बंदा मेरे को खतरनाक डैमेज देता है। एंड उसी टाइम गाइस जोन भी छोटा हो जाता है और जोन का भी डैमेज मेरे को लगता है और उसके बाद बंदे लोग ग्लोअल से भी मेरे को अटका देते हैं जिसकी वजह से मैं ड्रोन का डैमेज खा के इजिली मर जाता हूँ और मेरा बुया मिस हो जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है लेकिन गाइस मैंने एक बार भी सेंटिनो कैरेक्टर को यूज नहीं किया। उसके बाद मैंने और भी मैचेस खेले लेकिन ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं है सर्वाइवल के लिए। ओके, तो गाइस अभी बात कर लेते हैं हमारे 5 नंबर कॉम्बिनेशन की जो कि भेजे है ग्रुप गेमिंग ने और भाई का कॉम्बिनेशन में है तसुआ प्लस लूना प्लस मोको प्लस एंथोनियो। तो जल्दी से जल्दी कॉम्बिनेशन लगा के मैच स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कॉम्बिनेशन लगा के मैं मैच पे आ चुका हूँ और अभी लैंडिंग कहाँ पर कर रहा हूँ, 1 एंड ओनली मिल पर। और इधर मेरे साथ ना गाइस बहुत सारे बंदे उतर रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन के साथ आप लोग बहुत ही खतरनाक तरीके से रश कर सकते हो। तो मैं देख सकते हो इधर एक बंदे को खतरनाक तरीके से मार देता हूँ, उसके बाद एक बंदा सामने आ जाता है, उस बंदे के पास शॉर्ट रेंज का गन होता है जिसकी वजह से वो मेरे को इजिली मार देता है। उसके बाद मैं फिर से इधर ही रिवाइव होता हूँ, रिवाइव होकर इधर से गन वन लेके थोड़ा सा सामने जाता हूँ, देखता हूँ दो बंदे बीच फाइट हो रहा है जिसका फायदा उठा के एक बंदे को मैं कवर में इजिली नॉक कर देता हूँ और जल्दी से जल्दी जाके उसको पूरा फिनिश कर देता हूँ। और उसी टाइम एक बंदा मेरे को ऊपर से डैमेज देता है तो मैं फटाक से ग्लोअल मार देता हूँ। तसुआ को यूज करके उस बंदे के लूट बॉक्स में चला जाता हूँ, उधर से मैं शॉर्ट रेंज का गन ले लेता हूँ। उसके बाद उस बंदे के ऊपर मैं छोटा लॉन्चर है ना उसको मारता हूँ जो नया आया। उसके बाद वो बंदा हल्का सा डैमेज करता है तो मैं उसके सामने चला जाता हूँ, जाके एक फटाक से ग्लोअल मारता हूँ। उसके बाद उसके बंदे को खतरनाक डैमेज देने की स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद मैं ग्लोअल मारता हूँ, ग्लोअल मारता हूँ और इधर से जाके तसुआ को यूज करके एक खतरनाक डैमेज देता हूँ, बंदा फिनिश। अभी तक तो ये कॉम्बिनेशन रशर के लिए सबसे बेस्ट लग रहा है मेरे को। तो आगे आगे देखते हैं ये कॉम्बिनेशन कितना सर्वाइविंग कॉम्बिनेशन होगा। उसके बाद इधर से नीचे वाले लूट बॉक्स को भी मैं लूट रहा था, उसी टाइम एक बंदा मेरे सामने आ जाता, मैं फटाक से ग्लोअल मारता हूँ और दूर में जाके खतरनाक उसको बॉडी बॉडी डैमेज देता हूँ और बंदा फिनिश। तो ऐसे करके इधर मिल पर मैं 4 किल कर लेता हूँ। उसके बाद इधर से लूट वूट करके सीधा निकल जाता हूँ जोन के अंदर। उसके बाद मेरे को एक गाड़ी मिल जाता है और गाड़ी लेके मैं एकदम जोन के किनारे चला जाता हूँ, उधर जाके एक पत्थर का कवर ले लेता हूँ और उसी टाइम देखता हूँ नीचे से एक बंदा मेरे सामने आ रहा है, उसको मैं खतरनाक डैमेज देता हूँ। बंदा ग्लोअल मारता है, मैं उसके ग्लोअल के ऊपर वो छोटा लॉन्चर मारता हूँ, बंदा डर के मारे भागने लगता है जिसको मैं फिर से डैमेज देता हूँ और गाइस बंदे को इजिली मार देता हूँ। तो ऐसे करके मैं 5 किल कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद गाड़ी लेके इधर से सीधा निकल जाता हूँ। उसके बाद गाड़ी लेके मैं एकदम जोन के किनारे पे आ गया, आके इस एल शिप के ऊपर उठ गया, उठ के इधर चुपचाप बैठ रहा है और थोड़ा सा कैंपिंग करने लगा। उसके बाद थोड़ा सा टाइम कैंपिंग करने के बाद मैं देखता हूँ जोन के बाहर से बंदे लोग आते हैं तो मैं एक बंदे को खतरनाक डैमेज देता हूँ और इजिली फिनिश कर देता हूँ। बहुत टाइम तक वेट करने के बाद तब टॉप 3 आ जाता है, मैं नीचे उतर जाता हूँ, उतर के गाड़ी लेके एकदम सीधा चले जाता हूँ जोन के किनारे पे और घूमता रहता हूँ क्योंकि गाइस इधर 2 ही बंदे अलाइव थे और बंदे लोगों का पोजीशन मेरे को पता नहीं। उसके बाद मैं एक बंदे को स्पॉट कर लेता हूँ और उसके सामने चला जाता हूँ गाड़ी लेके, लेकिन बंदा मेरा गाड़ी तोड़ देता है। उसके बाद मैं गाड़ी से उतर के उसके साथ फाइट लगने लगता हूँ, मैं उसको खतरनाक डैमेज देता हूँ लेकिन साइड से भी और एक बंदा मेरे को डैमेज देता रहता है जिसका फायदा उठा के सामने
सामने वाला बंदा मेरे को इजीली मार देता है। तो ऐसे करके इस मैच में भी मेरा बुया मिस हो जाता है। ओवरऑल इस कॉम्बिनेशन के साथ मैं आप लोगों को यही चीज बोलूंगा कि ये कॉम्बिनेशन रशर के लिए ठीक है, सर्वाइवल के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल सारे कॉम्बिनेशन मिला के मैंने जो डिसाइड किया है कि जो कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है वो कॉम्बिनेशन है गाइस, मिशा फोर्ड लुकेटा। ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो अभी से अगर आप लोग सोलो में रैंक पुश कर रहे हो तो इस कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। तो गाइस यही था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है ना उसको ऑल पे सेट कर देना। ओके, तो गाइस मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।